कुल्लू जिला मुख्यालय में पीच से ढालपुर पैराग्लाइडिंग साइट पर तेज तूफान के कारण हवा में उड़ रहा पैराग्लाइडर अनियंत्रित होकर पेड़ पर क्रैश हो गया। इस हादसे में पैराग्लाइडिंग पायलट और महिला पर्यटक बाल बाल बची। बाद में अग्निशमन विभाग और पुलिस जवानों ने कड़ी मशक्कत से पेड़ से फंसी महिला पर्यटक और पायलट को रेस्क्यू किया। पुलिस मामले में छानबीन कर रही है। महिला पर्यटक वैष्णवी कर्नाटक की रहने वाली है और पायलट की पहचान पूरी चंद के रूप में हुई है। देखा जाए तो लगभग लैंडिंग के ऊपर था पैराशूट, तो अचानक हवा ने एकदम से तेज़ गति से भागना शुरू कर दिया और इसको फॉरवर्ड स्पीड नहीं मिली तो पीछे को बैक फ्लाइंग शुरू हो गया। तो इसने सबसे सेफेस्ट पॉइंट ट्री लैंडिंग का ऑप्शन लिया और दैट इज़ वेरी सेफ। प्रॉपर एड्रेस तो मुझे पता नहीं कौन से सिटी से बिलोंग करते हैं, लेकिन शी इज़ सेफ, फुल्ली उसको सेफ था और पायलट भी यहाँ पे लोकली थे, अच्छा पायलट था, उसने अच्छे से डिसीजन लिया और सेफ किया क्लाइंट को। वैसे तो सेफेस्ट पॉइंट है, हमने विंडो क्लोज करने के लिए भी मैसेज कर दिया था टेक ऑफ को, लेकिन थोड़ा सा कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो गया था और तब तक ये एयर में थे, फिर भी फाइट किया पायलट सभी ने और सब लोग सेफ हैं, दैट्स इट। सर सिचुएशन जैसे हम यहाँ से लैंडिंग से टेक ऑफ के लिए चले गए, टेक ऑफ में हमने हवा देखी, हवा का रुख बहुत अच्छा था और मेरे से आगे दो चार ग्लाइडर भी उड़ गए। जैसे ही मैंने ग्लाइडर उड़ाया, 5-6 मिनट में हवा में रहा, जैसे लैंडिंग की अप्रोच लगाई उसके बाद तुरंत ही एकदम से हवा तेज़ हो गई, मैं कुछ नहीं कर सका, हवा मेरे को बैक साइड के लिए ले गई और बचाव के लिए मैंने ट्री लैंडिंग कर दी, जिससे मैं भी सेफ हूँ और क्लाइंट वैष्णवी वो भी सेफ है। हाँ जी, तो इसमें हवा के प्रॉब्लम की वजह से हुआ है, हवा तेज़ होने की वजह से हुआ है, ऐसे कोई हवा टेक ऑफ में जैसे बिल्कुल ठीक थी, जैसे मैं लैंडिंग पहुंचा, मैंने पहले बताया आपको लैंडिंग में जैसे ही मैं लैंडिंग की अप्रोच लगा रहा था उसी टाइम एकदम से झोंका आया और मेरे को बैक फ्लाई करनी पड़ी और अपने को और क्लाइंट को सेफ करने के लिए मेरे को ट्री लैंडिंग करनी पड़ी और इसमें मैं भी सेफ हूँ और क्लाइंट भी सेफ है।